हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल एंट्री चैंपियन सीरीज। और ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? देखो, दुनिया में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, या आपके पूरे अकाउंट्स कोर्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं, उनको मैं तीन मेजर क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करूंगा। और वो तीन मेजर अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड अ नॉमिनल अकाउंट। यस, इसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं होता है। या तो अकाउंट पर्सनल होगा, या रियल होगा, या नॉमिनल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा, रियल कौन सा होगा, नॉमिनल कौन सा होगा? तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? सी, पर्सन अकाउंट को भी मैं तीन में क्लासिफाई करूंगा। कौन सा? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन होता है सिंपल, जैसे मैं हूं, आप हो, मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। लेट सपोज मिस्टर राहुल, ये मेरा क्या है? नेचुरल पर्सन, जो भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। मिस नेहा, मिस नेहा ये कौन है? ये कौन है? नेचुरल पर्सन, मतलब जो एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसको मैं बोलता हूं नेचुरल पर्सन। तो राम, श्याम, ये सारे अकाउंट किस में आएंगे? नेचुरल पर्सन में आएंगे। ओके, तो सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, इंसान नहीं है, बट लॉ के एंगल से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लॉ के एंगल से मतलब जैसे कि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, मतलब जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, जैसे कि विप्रो लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, टाटा, ये सब क्या है? ये इंसान तो नहीं है, बट लॉ के एंगल से ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, इंफोसिस हो गया, TCS हो गया, ये सब क्या हो गए? मेरे आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है? तो या तो वो पर्सन होगा नेचुरल, या फिर वो क्या होगा? आर्टिफिशियल। नेचुरल जो पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, एंड आर्टिफिशियल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कंपनी, विप्रो, रिलायंस एक्सेट्रा। तो सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हो ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हो? आपको अगर सपोज करो कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है अपने पापा, मम्मी, सिस्टर या ब्रदर को कम्युनिकेट करना है, तो आप एक ग्रुप बनाते हो या एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हो और आप एक मैसेज डालते हो और सब पढ़ लेते हैं। बस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी एक तरह से व्हाट्सएप ग्रुप ही है, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन या एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा। सपोज करो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है, मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है और मुझे 1000 एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है। क्या पे करनी है? सैलरी पे करनी है। अभी मैंने इस महीने सैलरी उनको पे नहीं की, मैंने कहा मैं 10 दिन बाद पे करूंगा, पर अकाउंट्स में तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि मुझे 1000 लोगों को सैलरी पे करनी है। अब या तो मैं 1000 अकाउंट ओपन करूं, 1000 अकाउंट मतलब मिस्टर ए, मैं ओपन करूं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। अब आप खुद ही सोचो, मेरी जो जनरल एंट्री जो बुक्स होगी, जो मेरी बुक्स होगी, उसमें 1000 एक एंट्री में 1000 अकाउंट, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। या तो मैं 1000 अकाउंट ओपन करूं, या फिर मैं क्या करूं, इनको एक कंबाइन कर लूं, एक तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं, एक तरह से उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दूं, इस ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम दे दूं। और इसको मैं नाम क्या दूंगा? मुझे इनको क्या देना है? क्या देना है? मुझे सर इनको सैलरी देनी है। ये 1000 एम्प्लॉय मेरी कंपनी में काम करते हैं, मैं 1000 एम्प्लॉय के अकाउंट तो ओपन नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत लंबी मेरी बुक्स हो जाएगी, एंट्री बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इनको एक नाम दूंगा। क्या देना है मुझे? मुझे उनको सैलरी देनी है, तो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग। क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मतलब जो मुझे चीज देनी है, उनको सैलरी देनी है, तो मैं नाम क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग
सैलरी अकाउंट, अगर मुझे रेंट देना है तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो जो भी मुझे खर्चा देना है उसको क्या नाम दे दूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग, मतलब मुझे देना है अभी तक दिया नहीं है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर है? तो एनीथिंग जो भी मैं आपको बता चुका हूं, एनीथिंग विच इज प्रीफिक्स बाय आउटस्टैंडिंग या फिर सफिक्स बाय आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई भी चीज के पहले या तो आउटस्टैंडिंग या बाद में आउटस्टैंडिंग आ जाए या फिर पी पीरियड आ जाए या फिर एडवांस आ जाए या फिर अनपेड आ जाए, आप कोई भी वर्ड यूज करो। सपोज करो मैंने यूज किया आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओके, रेंट प्रीपेड रेंट, ओके, इनकम इन एडवांस, ओके, अनपेड सैलरी, मतलब जिसका भी प्रीफिक्स या सफिक्स अनपेड आ गया, एडवांस आ गया, प्रीपेड आ गया, आउटस्टैंडिंग आ गया, ये मेरा खर्चा अकाउंट नहीं है। आपको लग रहा होगा सर सैलरी अकाउंट है, ये तो खर्चा है। नहीं, ये खर्चा अकाउंट नहीं है, इसके पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब है ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो रिप्रेजेंट करता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर ए को, रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर बी को, रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मतलब मेरे 1000 एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो जो भी अगर प्रीफिक्स या सफिक्स आगे या पीछे, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, अनपेड, प्रीपेड, कुछ भी आ जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा, पर्सनल अकाउंट बोलूंगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मेरा नॉमिनल अकाउंट नहीं है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो पर्सनल अकाउंट तीन में क्लासिफाई करेंगे, या तो नेचुरल पर्सन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आर्टिफिशियल पर्सन जो एक नॉर्मल कंपनीज है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, मैंने पहले से ही रेंट पे कर लिया, तो जो भी मेरा, तो ये मेरा खर्चा अकाउंट नहीं है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज इसके पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आ गया और ये पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लें क्या इस पे? चलो क्वेश्चन करते हैं, बताओ राहुल विप्रो, ये नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है या फिर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है? आप लोग मुझे बताओगे। चलो बताओ राहुल कौन सा अकाउंट है? अरे राहुल एक पर्टिकुलर पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है नेहा। अरे सर बताया ना, नेचुरल पर्सन है, जो भी ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, नेचुरल पर्सन। रिलायंस लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। एचडीएफसी बैंक क्या हो गई? सर एचडीएफसी बैंक बैंक अकाउंट है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, एचडीएफसी को रिप्रेजेंट करता है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर ये तो नॉमिनल अकाउंट है, नहीं सैलरी तो है पर उसके पहले क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग, मतलब ये ए बी सी डी ई को रिप्रेजेंट करता है जिसको मैंने सैलरी नहीं दी, तो ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। प्रीपेड रेंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रेंट लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो कौन सा अकाउंट हो गया, कि वो नॉमिनल हो गया, नहीं भाई, उसके पहले प्रीपेड है तो पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंडलॉर्ड ए, लैंडलॉर्ड बी, लैंडलॉर्ड सी। अंजलि, अरे भाई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, नेचुरल पर्सन। ओके, गुप्ता शॉप अकाउंट, एक शॉप है, उसका नाम है गुप्ता शॉप, अरे बट ऑब्वियस एक ऑर्गेनाइजेशन है, गुप्ता नहीं है, शॉप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कौन सा पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। अनपेड रेंट, मैं आपको बता चुका हूं रेंट के पहले अनपेड या बाद में अनपेड आ गया, तो इसका मतलब है वो क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बन गया। एडवांस सैलरी, वो भी क्या हो गया आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर है? तो ये सब क्या हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर है? चलो अगर ये क्लियर हुआ तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? देखो रियल अकाउंट दो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक है आपका टेंजिबल और एक है आपका इंटेंजिबल। ये टेंजिबल क्या होता है, ये इंटेंजिबल क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। टेंजिबल देखो वो होता है जिसको मैं छू सकता हूं मतलब मेरा ये एसेट अकाउंट है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब लैंड है, क्या मैं लैंड को टच कर सकता हूं? यस सर, लैंड को टच कर सकता हूं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को टच कर सकता हूं? कर सकता हूं। फर्नीचर है,
फर्नीचर को मैं टच कर सकता हूं, कर सकता हूं। ये पैनल है इसको टच कर सकता हूं, कर सकता हूं। मतलब जो भी मेरा एसेट है या जो मेरी प्रॉपर्टीज है, अगर मैं आपको पूछूं, आपके पापा मम्मी को पूछना आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो बोलेंगे मेरे पास कार है, कार को टच कर सकते हो, तो वो टेंजिबल एसेट है जिसको मैं टच कर सकता हूं। आप व्हीकल, आपके पास फर्नीचर है, ओके, आपके पास महंगी महंगी फर्नीचर है, तो वो भी मेरा एसेट है जो मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या हो जाएगा, टेंजिबल। कैश, कैश जो आपके पास नोट पड़े हैं जेब में 2000 रुपए का, वो क्या हो गया सर, वो भी टेंजिबल हो गया। तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जैसे कि कैश हो गया, और क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, जिसको मैं टच कर सकता हूं उसको मैं बोलता हूं टेंजिबल एसेट, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दीज आर ऑल एसेट जिसको मैं टच कर सकता हूं। तो सर ये इनटेंजिबल क्या हुआ, ये इनटेंजिबल, ये तो हमने कभी वर्ड नहीं सुना। इनटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जो मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब मेरा एसेट है। एसेट्स क्या होते हैं, जो मेरी, जो मेरा है, जो मेरी एक वैल्यूएबल चीज है, जैसे मान लो मेरे पास एक लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वो मेरे एसेट्स हैं। तो ये इनटेंजिबल क्या होते हैं, इनटेंजिबल वो होते हैं जिसको मैं टच नहीं कर सकता पर वो मेरा एसेट है, टच नहीं कर सकते आप, एसेट है, ऐसा कौन सा एसेट है, कोई मिस्टर इंडिया है क्या वो, अरे नहीं भाई, बहुत सारे एसेट होते हैं। पहला हो गया गुडविल, नाम, बिजनेस का नाम। आप एप्पल का फोन फटाफट ले लेते हो, आईफोन ले लेते हो, तो आईफोन क्या है, एक नाम है, उस नाम की वैल्यू है। आप मैगी यूज करते हो, मैगी क्या है, एक ब्रांड है, तो जो भी ब्रांड होती है उसका पैसा होता है। आज अगर सपोज करो मैं हूं मालिक मैगी कंपनी का, तो मेरी मैगी कंपनी का एक नाम है, दुनिया में एक नाम है, लोग मैगी कंपनी के नाम से खरीदते हैं। आप चॉकलेट कैडबरी के नाम से खरीदते हो, क्यों खरीदते हो, आपको पता है कैडबरी की चॉकलेट अच्छी ही होगी, आप उसको देखते नहीं हो, लोकल चॉकलेट में फिर भी सोचोगे, कैडबरी में नहीं सोचोगे, द रीजन भी उसका एक नाम है। तो आज अगर मान लो मैं हूं मैगी या फिर मैं हूं कैडबरी, और कोई मेरे पास आता है कि अपना नाम बेच रहे हो क्या, तो मैं अपना नाम बेच सकता हूं, मैं बोलूंगा ठीक है यार तू चॉकलेट बना और मेरा नाम लगा, प्रोवाइडेड तेरी क्वालिटी अच्छी है। तो मैं कैडबरी हूं, मैंने कहा तू चॉकलेट बना और मेरे नाम से कैडबरी लिख के बेच, पर मुझे हर चॉकलेट में 2-2 रुपए चाहिए। तो ये क्या है, मैं ब्रांड के भी पैसे कमाता हूं, और हर दुनिया में जितनी भी कंपनी होती है ना, वो ब्रांड के लिए काम करती है। तो इनटेंजिबल के अंदर कौन सा आता है, सबसे पहले आता है गुडविल, और ये गुडविल की पता है वैल्यूएशन करोड़ों में होती है। आज एप्पल की वैल्यूएशन लाखों करोड़ों के अंदर है, एप्पल की, ये मैगी, कैमली, ये सब की वैल्यू बहुत है। और क्या होते हैं, पेटेंट्स, पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या हो गए, अरे पेटेंट मतलब फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला बनाया, अभी कोविड चल रहा था तो कोविड का मैंने वैक्सीन बना दी, मैंने वैक्सीन बनाई, बहुत मेहनत की, 2 साल दिन रात वैक्सीन बनाई। तो वैक्सीन क्या मैं बना के कोई भी बेच देगा, नहीं, मैं बोलूंगा ये सिर्फ मैं बेच सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इसका फॉर्मूला है और मैं ही यूज कर सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने मुझे राइट दे दिया, आप 5 साल तक आप ही बेच सकते हो, 2 महीने तक आप ही बेच सकते हो, ये गवर्नमेंट ने मुझे राइट दिया। तो वो जो राइट का पैसा है, मैं वो राइट सेल भी तो कर सकता हूं, किसी और कंपनी को बेच सकता हूं ना, कि भाई आज ग्लेनमार्क तू मेरा खरीद ले, नाम मेरा वो खरीद ले, क्यों खरीद ले, क्योंकि मैं को बेच सकता हूं। तो पेटेंट हो गया, और क्या हो गया, फटाफट एक और अपन एग्जांपल लेंगे, कॉपीराइट। मैंने बहुत मेहनत करके एक बुक बनाई और आपने बुक आपने खरीद ली, तो आप क्या चाहोगे कि मैं वो बुक को जीरोक्स कर लूं और मैं बेचना चालू कर दूं, नहीं, लीगली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है सर, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बुक मैंने बनाई, मेहनत मैंने की, तो उसका पैसा मुझे मिलना चाहिए, अगर आपको बेचनी है तो आपको मेरा परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गए, ये सब मेरे एसेट्स हो गए, और भी बहुत सारे हैं, ट्रेडमार्क हो गए, ये सब क्या हो गए, मेरे इनटेंजिबल, जो दिखते नहीं है, दिखते नहीं, टच नहीं कर सकता, फील कर सकता हूं। मतलब क्या गुडविल को आप टच कर सकते हो, नहीं, पेटेंट को टच कर सकते हो, नहीं, कॉपीराइट को टच कर सकते हो, वो तो पेपर के फॉर्मेट में है, राइट्स है मेरे पास, पर ये मेरा एक एसेट है। तो जो टच कर सकता हूं या देख सकता हूं या मैं उसको मैं फील कर सकता हूं, तो उसको लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, उसको मैं बोलता हूं टेंजिबल। और जो मैं देख नहीं सकता बट उसको मतलब मैं फील
फील कर पा रहा हूं कि हाँ इस कंपनी की गुडविल है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उसको मैं क्या बोलता हूं, इंटेंजिबल एसेट। तो रियल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। रियल बेसिकली क्या होता है, मेरा एसेट अकाउंट जो मेरी प्रॉपर्टी होती है उसको मैं बोलता हूं रियल अकाउंट। तो चलो आप, अगर आपको यह समझ में आ गया तो क्वेश्चन करें फटाफट। चलो मुझे बताओ कि लैंड कौन सा है, रियल है, रियल तो है, ये सारे रियल के एग्जांपल ही दिए मैंने, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। अरे यार लैंड को टच कर सकते हो ना, नीचे टच करो ना तो सर टेंजिबल हो गया। बिल्डिंग, अरे आप बिल्डिंग को टच कर सकते हो ना। गुडविल, गुडविल को टच नहीं कर सकते आप, तो वो क्या बन जाएगा, इंटेंजिबल है। तो मेरा एसेट ही ना, मेरी प्रॉपर्टी है ना, टेंजिबल, आज मैं इसको बेच सकता हूं ना, नाम को बेच सकता हूं ना। यस, फर्नीचर, अरे टच कर सकता हूं ना, टेंजिबल। कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं कैश क्या है। कैश टेंजिबल, आप टच करते हो ना, 2000 रुपए का नोट आपके जेब में है, वो टच कर सकते हो, यस कर सकते हो। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क मतलब जो ये एक पर्टिकुलर एक शेप का अगर आपने कुछ बनाया तो आपने ट्रेडमार्क ले लिया। कॉपीराइट इंटेंजिबल है, पेटेंट्स इंटेंजिबल है। व्हीकल, व्हीकल टेंजिबल है, अरे यार आपकी कार है मारुति की, मर्सिडीज की, तो आपको टच कर सकते हो ना, तो आपका ये हो गया टेंजिबल। क्लियर है? तो रियल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं आपको बता चुका हूं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको मैं टच कर सकता हूं, और इंटेंजिबल जिसको मैं टच नहीं कर सकता। चलो अगर ये समझ में आ गया तो नॉमिनल अकाउंट तो कुछ भी नहीं है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंस या फिर इनकम, खर्चा या फिर मेरी इनकम। मतलब जो भी मैं, अगर जो भी मैं खर्चा करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि मेरा सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है, मेरा खर्चा है। सर एक मिनट, आपने सैलरी पर्सनल में भी यूज किया था, उसके पहले क्या लिखा था, आउटस्टैंडिंग, या फिर बाद में क्या लिखा था, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग, ये सिर्फ खर्चा है। मैंने सैलरी पे कर ली, सैलरी, मैंने रेंट पे किया, मैंने रेंट, मैंने ऑडिट एक्सपेंस पे किया, मैंने ऑडिट, मैंने ट्रैवलिंग खर्चा किया, मैंने अगर मैं अपने क्या कहते हैं, मैं फ्लाइट के अंदर गया, ट्रेन में गया, उसका खर्चा है। तो जो भी मेरे बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं वो नॉमिनल अकाउंट है। जो भी मेरे बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं वो कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एक्सपेंस और दूसरा होता है इनकम। एक्सपेंस में बता चुका हूं जो भी मेरा खर्चा है। इनकम क्या होती है, सर इनकम भी होती है क्या बिजनेस में, अरे आप काम क्यों कर रहे हैं बिजनेस में, इनकम के लिए तो कर रहे हैं। सपोज करो मेरी सेल्स हुई, सेल्स हुई तो वो क्या हो गई, नॉमिनल। मैंने पेन बनाता हूं, पेन बेचा दुनिया वालों को, तो मेरे पास 1000 रुपए आए पेन बेचने से, इनकम है, मेरी इनकम है, मेरी कमाई है। मेरे पास कमीशन, मैं लोगों को कंसल्टेंसी देता हूं तो कमीशन इनकम, मैं लोगों को कंसल्टेंसी देता हूं, भाई ऐसे आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी है, मैं क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कहा आपको ऐसे ऐसे से करना है, तो ये क्या हो गया, मेरा कमीशन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया? तो जो भी मेरी इनकम है वो कहां जाएगी, मेरी नॉमिनल अकाउंट में जाएगी। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एक्सपेंस और एक होगा आपका आपका इनकम। तो एक्सपेंस जो मेरे खर्चे हैं और जो इनकम है जो मेरी इनकम हो रही है। ध्यान रखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, पर्सनल है, बिकॉज वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ सैलरी, सिर्फ रेंट, सिर्फ टेलीफोन एक्सपेंस, सिर्फ इंटरनेट एक्सपेंस, ये सब तो मेरे खर्चे हैं और ये मेरी इनकम है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो फटाफट अपन देखेंगे एक्सपेंस है, इनकम है, सैलरी, सर सैलरी खर्चा है। आपको बिजनेस का एंगल सोचना है, बिजनेस वाले को सैलरी देनी है तो उसके लिए खर्चा है, रेंट खर्चा है, कमीशन इनकम, सर इनकम है, पैसा आया इनकम है, सेल्स मेरी इनकम है, परचेस मैंने कुछ परचेस किया, मैंने परचेस किया तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा खर्चा हो गया। मैंने पेन खरीदा तो मेरा खर्चा हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस मेरा खर्चा हो गया, ऑडिट एक्सपेंस मेरा खर्चा हो गया। क्लियर है, समझ में आया आपको? ओके, तो मैंने आपको तीनों चीज बता दी, क्या बता दी, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अगर आपको ये सब समझ में आ गया, पर्सनल कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और रियल अकाउंट कितने होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल जो मेरे एसेट्स अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल मेरे खर्चे अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस या इनकम। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो एक काम करें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करें और देखें कि हमसे होता है क्या। सो लेट्स नाउ डू अ क्वेश्चन जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल में आपको क्लासिफिकेशन करना है। चलो मुझे बताओ कैश क्या है, कैश कौन सा अकाउंट है, बताओ सर कैश।
अरे भाई पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, ये मेरा रियल अकाउंट है। कैसे? अरे भाई मेरा एसेट है ना, मैं इसको टच कर सकता हूँ। अभी टेंजिबल इनटेंजिबल मत जाओ, पर्सनल है, नॉमिनल है या रियल है? सर रियल है, एसेट है मेरा कैश। टेलीफोन एक्सपेंस खर्चा है, खर्चा है, खर्चा तो नॉमिनल में जाएगा। फर्नीचर एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, रियल में जाएगा। बट ऑब्वियस प्रॉपर्टी जो होती है, एसेट जो होता है, वो मेरा रियल में जाता है। सेल्स, सर सेल्स कौन सा अकाउंट है? इनकम है ना भाई, तो नॉमिनल में जाएगा ना, एक्सपेंस ऑन इनकम नॉमिनल के अंदर। वीवो लिमिटेड, आप उसका फोन यूज करते हो, वो कहाँ जाएगा? अरे एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पर्सन अकाउंट हो जाएगा ना, आर्टिफिशियल पर्सन। ट्रेडमार्क एसेट है, एसेट है, इनटेंजिबल है, रियल अकाउंट जाएगा। लैंड है, एसेट है, रियल में जाएगा। सचिन, सचिन पर्सन है, ह्यूमन है, पर्सन अकाउंट में जाएगा। एसबीआई बैंक, बैंक कहाँ जाएगा बताओ, पर्सन में जाएगा या रियल? सर बैंक तो मेरा एसेट है, मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, वो मेरा एसेट है? नहीं, एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बैंक कहाँ जाएगा? पर्सन में जाएगा। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सब क्या है? मेरे पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, कौन बोला नॉमिनल अकाउंट? सैलरी के पहले आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये खर्चा अकाउंट नहीं है, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जिनको मुझे सैलरी देनी है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरा कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, सब बता चुका हूँ। खर्चा होगा तो नॉमिनल, पर वो अगर मुझे किसी को मुझे देना है पैसा, आउटस्टैंडिंग है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 लोगों को सैलरी देनी है, तो मैंने उनका नाम लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। गुडविल, अरे भाई एसेट है, इनटेंजिबल है, मेरा क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। सैलरी खर्चा है भाई, खर्चा है, जाओ खर्चा भाई, खर्चा तो नॉमिनल में जाएगा। आपका कमीशन इनकम, मेरी इनकम है, वो कहाँ जाएगी? नॉमिनल में जाएगा। मशीनरी, मैंने मशीन खरीदी, एसेट है भाई साहब, तो वो मेरा कहाँ जाएगा? रियल में जाएगा। क्लियर है? समझ में आया है नहीं आया? तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्लियर कर दिया? क्लियर कर दिया व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉमिनल। होपफुली आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल के क्या अकाउंट होगा, रियल का क्या होगा रूल, और नॉमिनल क्या होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करके आप जाना, अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अच्छा लगा तो लाइक करो, एंड या सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी जर्नल एंट्री सीरीज कवर करने वाला हूँ और आपको जर्नल एंट्री के अंदर चैंपियन बनाने वाला हूँ। तो आपसे मुझे एक ही चीज चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लियर है? चलो, और मेरा क्लास 11th का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, मुझे ये फोन पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ पे मैं नोट शेयर करता हूँ, या फिर मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो आप शेयर कर देना, एंड मेरी अकाउंट फंडा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, वहाँ पे 11th और 12th क्लास का पूरा मेरा कोर्स रिकॉर्डेड है, वहाँ पे देख लेना, अच्छा लगा वहाँ पे डेमो वेमो सब कुछ है, वहाँ पे देख लेना। क्लियर है? चलो, लाइक शेयर कमेंट तो आप कर लेना, अपने दोस्तों को बता देना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, कैसे हम इनको पर्सनल, रियल, नॉमिनल को हम यूज करेंगे। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।